हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। एक चम्मच घी डाल दिया था। घी गर्म होने पर एक लौकी थी, ये घर की है। इसको छील के कद्दूकस कर लिया है धो के। तो इसको मैं 5-7 मिनट के लिए ढककर भूनूंगी सिम आँच पर। और फिर इसका पानी सोख जाने पर इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास दूध। तो ये देखिए, अभी मैं इसको ढककर रख दूंगी। तो आज तारीख है 10 अक्टूबर और दिन है रविवार का। हेमू ने किया हुआ है व्रत, तो देखेंगे। पूरे 9 की कह रहा है, लेकिन मेरी सलाह है 7 तक को कढ़ाई कर दें। तो अभी देखेंगे क्या कहता है। सिम आँच पर मैंने रख दिया है, और ये दूसरा चूल्हा ये है ख़राब, ये सिम पे नहीं होता है। और ये घी गरम कर लिया है, अभी इसको छान दूंगी। एक डोली में 2 किलो घी की किसी ने कही है, तो आज तो खैर 2 किलो नहीं होगा, लेकिन अगली बार गरम होगा तब तक हो जाएगा। और ये आलू की सब्ज़ी आटा लगा के रख दिया है। और इस डोंगे से मैं ऐफ हुई ऊपर की, घी गरम करते हैं तब निकलती है वो। और टाइम 11:10, हेमू फ़ोन देख रहा है। और मौसम धूप बहुत अच्छी है। और ये देखिए, बनकर हो गया हमारा लौकी का हलवा तैयार। और ये बनाया मैंने हेमू के लिए, क्योंकि उसने किया हुआ है व्रत। और अभी टाइम 1 बज चुका है और मैं जा रही हूँ कीर्तनों में। तो ये देखिए कैसी लगी मेरी ये तीर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लेडीज़ का यही होता है कि चलते चलते भी कोई ना कोई काम निकल जाता है। तो मैं देख रही थी दूध को कि ये ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए, भिंडी की सब्जी कल की बची हुई है, आलू की आज की है। कुछ कहना है? लाइक शेयर के नहीं कहा कहीं ने कयात कोई कर रही ना। चलिए तो ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है 8:40, खाना पीना सब हो गया है। और योगी यही है, ये देखिए शकल तो देख रही। और अभी तो कपड़े उतारने हैं सारे, यही बाहर है। और बर्तन धोने हैं, ये देखिए।
दूध की बाल्टी तो धोई हुई रखी है, वो ढक के यहाँ रखनी है। और एक बार भैंसों को पानी दिखाना है, ये पिए ना पिए इनकी मर्जी। और दिन में मैं चली गई थी भजनों में, वहाँ से आने के बाद मेरे सर में दर्द हो गया था बहुत तेज, तो क्योंकि लगातार 10 दिन हो चुके हैं नींद पूरी नहीं हो रही है, पूरा दिन बहुत मेहनत का काम रहता है, आप सबको पता है। बाजरे की लावणी कल ही ख़त्म हुई है, 5-6 दिन उसमें लग गए, और ये तो 2 दिन में 2 लेडीज लेके गई थी, तो तब ये काम काबू में आया है, वरना तो मुश्किल हो रहा था। और साथ ही साथ पीछे जो जगह है उसमें काश में बो दी है, और एक पूरी क्यारी बची हुई है उसमें मूली शलगम गाजर जो बीज मंगा रखा था वो नहीं बोया है अभी, तो 1-2 दिन में देखेंगे, दिन की लाइट आएगी तब बोएंगे, क्योंकि दिन की लाइट में ऐसा होता है सुबह 6 बजे आती है और 12 बजे तक रहती है, तो घर का काम निपटाने के बाद कर देते हैं, और शाम को लगभग 4 या 5 बजे आती है, तो फिर टाइम नहीं रहता, मोटर चलानी बोना कई काम हो जाता है, इसमें टाइम लगता है, तो देखेंगे 1-2 दिन में। तो आज कीर्तन में से आने के बाद सर में दर्द था, मैंने चाय पी, एक गोली ली, गोली लेने के बाद मैं सो गई, फिर मैं उठी, वो बस आ रही है, अभी नींद आ रही है, फिर मैं उठी 4:45 बजे, पशुओं को मैंने आते ही बाहर निकाल दिया था, और 4:45 बजे उठ के फिर मैंने इनको सानी की, दूध निकाला, और फिर हम गए खेत में, खेत में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सिरे इकट्ठे करके आए हैं, इकट्ठे तो थे जैसे छोटे पल्ले को बिछा रखे थे उन पे फैला रखे थे, उनको सबको इकट्ठा कर दिया है, और कल नहीं तो परसों बाजरा निकलवा लेंगे, क्योंकि मौसम राम जी का कोई भरोसा नहीं, वैसे तो लगभग 3 दिन से मौसम अच्छा हो रहा है। और वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी पता चलता है कि पूरी वीडियो में क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, तो उस तरह से कमेंट करें, ऐसा नहीं है जी नाइस शेयरिंग ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे मत करो, और दुख होता है सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करके चले जाते हो, तो ऐसा भी किसी के साथ भी ना करें, किसी के साथ भी। तो अभी करूँगी 1-2 काम, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, और देखेंगे थोड़ी देर में क्या, अभी तो गेट भी बंद नहीं हुआ, पानी तो मैंने अपना गर्म रखा हुआ है, नहाऊंगी मैं, मेरी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ये, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बगैर नहाए नींद ही नहीं आती, किस किस के साथ ऐसा है प्लीज कमेंट करके बताना ज़रूर भाई, मैं तो कितनी भी सर्दी हो कितनी भी सर्दी बगैर नहाए नींद नहीं आती। तो अभी तो मैं बर्तन साफ करूंगी पहले, फिर ये कपड़े उतारूंगी, हेमू योगी की ड्रेस के प्रेस करेंगे सुबह, अभी इनको एक साइड में रख दूंगी, और जो बाकी के हैं उनके थोड़े ही है, ज़्यादा नहीं, तय लगा के अब साथ के साथ अलमारी में रख दूंगी, और फिर नहाऊंगी, दूध में जामन लगा दिया है। और आज रात की बात बताऊँ तो रात को पता टाइम मैंने नहीं देखा कितने बज रहे थे, मेरी आंख खुली कि शायद आज दूध में जामन नहीं दिया है, और जो बंटा भर के फ्रिज में रखते हैं वह भी नहीं रखा। मैं उठी, मैंने उठते ही फ्रिज खोला, फ्रिज खोल के देखा बंटा रखा हुआ है, फिर थोड़ा सोच दूध में जामन भी दिया। दूध के जामन का मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं दिया, क्योंकि सुबह उठते ही छाए वाली भी कई आती है, कई लगभग 8 से 10 लेडीज आती है छाए लेने, तो अगर किसी दिन ऐसी गलती हो जाए सुबह सुबह कोई आए फिर खाली बर्तन लेके वापस जाए, ऐसा नहीं, तो दूध का वहम सा हो जाता है कि एक चीज़ का पता नहीं कि किया नहीं किया नहीं किया, तो फिर मैंने ठंडे दिमाग से रात को सोचा हाँ दूध में जामन दे दिया, तो दूध का जामन बहुत ज़रूरी है, और काम तो सभी ज़रूरी है लेकिन वो मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कोई आए और वापिस जाए रिक्ते
बर्तन लेके तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो वो काम हो गया। अभी बस सिर्फ बर्तन और ये काम बचा है, उसके बाद नहाऊंगी और फिर सोना है। वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हुई है अभी, और दो दो चैनल का काम है, देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और घर का भी काम पूरा है मेरे दम पे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सभी को सपोर्ट करें, साथ सहयोग बनाएं, तभी कोई आगे जाएगा। वरना सभी बड़े यूट्यूबर कोई किसी को किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करता, ना कोई किसी का, बस बातें बातें बनाते हैं, कोई नहीं करता। और आपस में सब जो संघ के साथी हैं अभी सब मिलकर काम करेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है, 6 मिनट आप लोगों को पका दिया है अच्छे से। तो इस वीडियो का करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।